गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर। आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, इसमें आपका दैनिक पाठ योजना चल रहा था। कल मैंने आपको दैनिक पाठ योजना की आवश्यकताएं बताई थी। आवश्यकता, महत्व, इन दोनों को मिलाकर आपको गुणों को बताना है। ये आपका एक तरह से गृह कार्य है, क्योंकि कभी कभी दैनिक पाठ योजना के गुण भी पूछे जाते हैं, तो आपको उसके भी हाफ पे ही क्या करना है, गुणों को निकाल के लेके आना है। अब आता है पाठ योजना की विशेषताएं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में पूछा जाता है। बात हो रही है, अभी तक जितनी बात हुई है कि क्यों आवश्यक है और क्यों महत्वपूर्ण है, अब बात हो रही है कि ये बेसिकली इसकी क्या विशेषताएं हैं, मतलब इसके क्या, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या इंक्लूड होता है, इसलिए हम इसकी विशेषताओं को लेके आते हैं, इसलिए ये अच्छी मानी जाती है। तो पाठ योजना की विद्युति की विशेषताएं होती है, जिसमें फर्स्ट नंबर की जो विशेषता है वो ये है, पाठ योजना शिक्षक की मित्र, सेवक तथा पथ प्रदर्शक होती है। सेकंड नंबर है पाठ योजना में शिक्षण के उद्देश्य निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं, फोर्थ आता है इसके अंदर, ये है एक निश्चित समय होता है इसका, एक निश्चित समय होता है। नेक्स्ट आता है लचीलापन, नेक्स्ट आता है शिक्षार्थी क्रियाओं का विशेष ध्यान, शिक्षार्थी क्रियाओं को विशेष स्थान दिया जाता है। पहले इतनी देखो, नंबर वन, पाठ योजना शिक्षक की मित्र, सेवक और पथ प्रदर्शक होती है, क्योंकि इसमें ये चाइल्ड सेंट्रलाइज होती है। इसलिए क्या होता है कि जब हम योजना के साथ कार्य करते हैं, तो ये देखा जाता है कि बच्चे और अध्यापक में बहुत अच्छा समायोजन होता है क्लासरूम के अंदर, जिसकी वजह से ही इसके पाठ योजना के बिहाफ पे ही हो रहा है। इसलिए माना जाता है ये शिक्षक की क्या मानी जाती है, मित्र मानी जाती है, सेवक माना जाता है, और पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, क्योंकि जो अनट्रेंड टीचर होते हैं वो भी एक योजना के साथ अगर कार्य करते हैं या अपनी शिक्षण प्रक्रिया करते हैं, तो ये देखा जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उन्हें दिक्कत नहीं होती, मतलब जितनी भी जटिल विषय वस्तु होते हैं वो उसे सरल रूप से संबद्ध कर देते हैं। इसलिए यह क्या होती है, एक अध्यापक की मित्र, सेवक और पथ प्रदर्शक
होती है। लिखित रूप पाठ योजना, पाठ योजना एक लिखित रूप में होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अध्यापक होता है उसके अंदर एक लिखने का कौशल भी विकसित होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बातों को लिखता है तो बच्चों को स्थायी रूप से अर्जित रहता है। फिर आता है पाठ योजना में शिक्षण के उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट होते हैं। हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन करते हैं जिससे हमें उसके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अब पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले हम उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, तो इसलिए ये माना जाता है कि इसमें जो भी कार्य किया जाता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उसके उद्देश्य हमेशा क्या होते हैं, निश्चित और स्पष्ट रूप से हो जाते हैं। फिर आता है इसका एक निश्चित समय होता है। निश्चित समय इनका सहस एक कलांश अवधि में ही पूरा किया जा सकता है। इसकी समाप्ति एक कलांश के रूप में ही होती है, या 25 मिनट्स का अगर बन रहा है तो 25 मिनट में ही हमारे कंटेंट को हमें पूरा करना होता है। तो इसकी वजह से जो लेसन होता है, जो पाठ होता है या जो प्रकरण होता है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है उस 20 मिनट के अंदर, क्योंकि शिक्षक ना ज़्यादा पढ़ाता है ना बहुत कम पढ़ाता है, वो जितना पढ़ाता है उसको वो अच्छे से समझ में आता है योजना के साथ अगर पढ़ाता है तो। लचीलापन पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो होती है इसका लचीलेपन का होना। मतलब अगर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती है, परिस्थितियों के अनुरूप इसका परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है पाठ योजना का। फिर आता है शिक्षार्थी क्रियाओं को विशेष स्थान दिया जाता है। पाठ योजना के अंतर्गत देखा जाता है कि शिक्षार्थी को सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब ये पूरी की पूरी इसमें क्या होता है, जो जो शिक्षार्थी होता है वो सक्रिय भूमिका निभाता है और अध्यापक बहुत कम भूमिका निभाता है, क्योंकि सारी एक्टिविटी किसको करने को दी जाती है, शिक्षार्थी को कक्षा के अंदर करने को दी जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षार्थी क्रियाओं को विशेष ध्यान दिया जाता है पाठ योजना के अंदर। अब आती है नेक्स्ट इसके अंदर पाठ योजना में इसमें सैद्धांतिक बातों को कम और व्यवहारिक बातों को विशेष स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट आता है दूसरे विषय से संबंधित पाठ योजना भाषा प्रदान न होकर विषय प्रदान होती है। और लास्ट आता है पाठ योजना में उद्देश्य
अक्षर, शिक्षण बिंदु, शापक कार्य, शिक्षक सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, प्रविधि, मूल्यांकन, है कार्य आदि का स्पर्श होता है। देखो सेवन, इसमें सिद्धांतिक बातों को कम और व्यवहारिक बातों को विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये देखा जाता है सिद्धांतिक, ये विधि प्रविधि और विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्री के माध्यम से संचालित की जाती है। इसलिए विधि इसमें क्या है, जो भी ज्ञान होता है उसे व्यवहार में दिया जा सकता है। फिर आता है पांच योजना की विषय वस्तु का यथा संभव दूसरे विषय से संबंधित विषय वस्तु से संबंध होता है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार की योजना के साथ कार्य करते हैं, तो एक विषय का दूसरे विषय के साथ जब संबंध स्थापित होता है तो बच्चे उस कार्य के प्रति रुचि दिखाते हैं या उन्हें क्या प्रकट लगता है, वो विषय वस्तु रोचकता लगती है, रुचिपूर्ण लगती है। पांच योजना विषय प्रदान होती है, पांच योजना भाषा प्रदान न होकर विषय प्रदान होती है, क्योंकि उसमें विषय जो इकाई होती है, इकाई में से छोटे छोटे भागों को हम क्या करते हैं सैनिक पाठ योजना के माध्यम से पूर्ण करते हैं, छोटे छोटे भागों को लेकर हम कालनाश को उसको क्या करते हैं पूरा का पूरा डिटेक्ट करते हैं। पाठ योजना में क्या क्या सम्मिलित होता है, उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, शिक्षण बिंदु, शापक कार्य, शिक्षण सहायक सामग्री, विधि प्रविधि, मूल्यांकन, गृह कार्य, पुनर्मूलन प्रश्न, सभी प्रकार की सारी चीज़ें का समावेश होता है, जिसकी वजह से जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो एक प्रभावी मानी जाती है कक्षा के अंतर्गत। तो ये हमारे क्या होते हैं पाठ योजना की विशेषताएं थी। अब आपका होमवर्क है, पांच योजना की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, पाठ योजना की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, घर पर ये सुरक्षित रहिए। थैंक यू।